हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज। तो हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स की क्लास जो पहले हो रखी है उन सारे क्लासेस के कंटिन्यूएशन में ही होगा। इसके अलावा ये हमारे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं जिनको यूज करके आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं, और बाकी हमारी फेस टू फेस क्लासेस के लिए हरिओम नगर गोरखपुर में अवेलेबल है। इसके अलावा दीज आर आवर सम ऑफ आवर अवेलेबल कोर्सेज जिसको आप लोग अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट टू ज्वाइन सम टेस्ट सीरीज यू कैन सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज। दीज आर आवर अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारे आज का करंट अफेयर्स। और देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहली स्कीम आती है हमारी उन्नत भारत अभियान 2.0। अब देखिए, उन्नत भारत का मतलब क्या है? उन्नत भारत का मतलब यह है कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स आ जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो हमारे पास जो एजुकेशन के लिए जो जनता है वो है हाई क्लास की। हाई क्लास का मतलब हाई स्किल है इसके पास। हाई स्किल का मतलब जैसे मान लेते हैं जो IITs वाले हैं या NITs वाले हैं या इनफैक्ट जो डॉक्टर्स भी हैं, ये सारे लोग क्या है, इनके पास हाई स्किल्स है, इनके पास टेक्नोलॉजी, इनके पास न्यू आइडियाज हैं। लेकिन ये आइडिया का फायदा ही क्या जब तक इसकी इंप्लीमेंटेशन हमें ना देखने को मिले। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए उन्नत भारत अभियान 2.0 लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जहां पर किया ये गया था कि स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसी ना किसी एक विलेज एरिया से, किसी ना किसी एक रूरल एरिया से एसोसिएट हो जाएंगे, और इस एसोसिएशन के बाद यहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम होगी उन प्रॉब्लम को ये लोग देखेंगे और या तो अवेलेबल टेक्नोलॉजी से या नई टेक्नोलॉजी से इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। छोटा सा एग्जाम्पल एक मैं लेना चाहूंगा। जैसे सपोज कोई एक विलेज है जहां पर वाटर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, वाटर की प्रॉब्लम है, तो अब यहां पर क्या होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी कराना इन स्टूडेंट्स का ही ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कैसे करेंगे? कई तरीके हो सकते हैं। या तो ये वाटर का इफिशियंट यूज करवाने की टेक्निक यूज कर रहे होंगे या वाटर कंजर्वेशन टेक्निक यूज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नत भारत अभियान, जहां पर हम लोग अपने इस ह्यूमन रिसोर्स का, मतलब कि अपने जो स्टूडेंट रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स का यूज करेंगे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, भारत को उन्नत बनाने के लिए। इससे पहले जब स्कीम लॉन्च की गई थी 1.0, ये स्कीम थी केवल और केवल प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs के लिए केवल और केवल थी। लेकिन अब ये टू द ऑल यूनिवर्सिटीज एक्सटेंड कर दी गई है। तो ऑल यूनिवर्सिटीज अब ये एक्सटेंड हो गई है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो किसी ना किसी रूरल इलाके के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। The aim to link the higher education institute with a set of at least 5 villages so that these institutions can contribute to the economic and social betterment of these village communities using their knowledge base. Clear हो गया क्या चीज है? Currently the scheme is इतने गांव में इतने इंस्टीट्यूट के द्वारा रन किया जा रहा है। ये केवल और केवल आपको एक आइडिया देने के लिए है कि स्कीम काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कराई जा रही है। आपको ये डेटा याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन्नत भारत स्कीम के बारे में कि बताइए ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम है। एक तो ये ऑप्शन आ सकता है, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, वहां पर एक दे देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की और दूसरी दे देगा इसका ऑब्जेक्टिव। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट विच वन इज करेक्ट और विच वन इज रॉन्ग। क्लियर है? इस तरीके के स्टेटमेंट यहां पर आ जा रही होती है। दूसरी जो गवर्नमेंट स्कीम है वो गवर्नमेंट स्कीम है हमारी नेशनल कृषि सिस्टम। अब देखिए, नेशनल कृषि सिस्टम का मतलब क्या है? कृषि सिस्टम से पहले समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कृषि है ये होता क्या है। एक तरीके से समझ लीजिए, ये आंगनबाड़ी का नाम आपने सुना होगा, तो एक तरीके से ये आंगनबाड़ी ही है। यहां पर होता क्या है कृषि का मतलब, जैसे मान लेते हैं कोई फीमेल है, कोई महिला है, इसका मान लेते हैं कोई बेबी है, तो बेबी है, सीधी सी बात है अगर ये छोटा है तो इसकी टेक केयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
लेकिन इस टेक केयर के चक्कर में अगर ये वुमेन अगर वर्किंग वुमेन है तो इसके वर्क पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, ओवरऑल इकोनॉमी को काफी ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। तो इस वजह से किया ये गया कि अगर ये महिला इफ शी इज इन फॉर्मल इकोनॉमी, अगर ये फॉर्मल इकोनॉमी में है तो हर एक कंपनी या हर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वहां पर एक कृषि फैसिलिटी रखना जरूरी हो गया है, जहां पर ये महिला दिन में लगभग लगभग 6 बार जाकर के ये मतलब यहाँ पर बच्चे को रख सकती है, बच्चे को जो भी इनकी फीडिंग वगैरह करानी है वो करा सकती है। तो बेसिकली कृषि का मतलब है जहां पर बच्चों की टेक केयर की जाती है, तो ये टेक केयर का केस है एक तरीके से कह सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में है तो क्या होगा, तो यहाँ पर गांव वगैरह में भी कुछ एनजीओ सेंटर्स होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, जहां पर ये अपने बच्चों को ले जाकर के रख सकती है। कृषि का मतलब समझ में आ गया क्या चीज है। तो नेशनल कृषि स्कीम बेसिकली है क्या, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, जहां पर कृषि फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो इट इज बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जहां पर ये इस तरीके की चीजें की जा रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज टू चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन का मतलब 6 महीने के बच्चे से लेकर के 6 साल के बच्चे तक की बात हो रही है। किसके लिए, वर्किंग मदर के लिए। क्लियर हो गया क्या चीज है। ओके, अब यहां पर आता है कि कृषि फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करना है तो इसमें फंड जनरेशन कैसे क्या किया जाएगा। तो फंड जनरेशन के लिए देखिए सेंटर स्टेट और एनजीओ तीनों मिला करके पैसा दे रहे होते हैं। अगर ये नॉर्मल स्टेट है तो वहां पर 60% सेंटर दे रही होती है, 30% स्टेट दे रही होती है और 10% एनजीओ को अपने पास से लगाना पड़ता है। अगर मान लेते हैं यही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिमालयन स्टेट है तो 80% यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही होती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट एंड 10% अगेन एनजीओ को लगाना पड़ता है। वही अगर यूटी के बारे में बात करते हैं तो स्टेट का शेयर यहां पर 0 हो जाएगा, 90% सेंटर के पास चला जाएगा और 10% एनजीओ को लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये उठता है सेंटर तो अपना पैसा निकाल लेती है, स्टेट तो अपना पैसा निकाल लेता है, ये हमारी जो एनजीओ है या हमारी जो वॉलंटियर ग्रुप है ये पैसा कहां से निकालेगी। तो ये पैसा निकालेगी चार्ज करके, मतलब कि अगर कोई वर्किंग वुमेन अपने बच्चे को कृषि फैसिलिटी में रखना चाहती है तो वहां पर उसे कुछ कंट्रीब्यूशन कुछ फी चार्ज किया गया हुआ देना पड़ेगा इन्हें। और इस तरीके से जो भी एनजीओ में टेक केयर होगा वो टेक केयर इस सारे के सारे बच्चों को, जो भी बच्चे उनका देखेंगे, उनको उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ को देखेंगे, उनकी बेसिक एजुकेशन मतलब छोटी मोटी जो भी कखल वखल पढ़ाना है उसको पढ़ा रहे होंगे, उनके खेलने के लिए व्यवस्था कर रहे होंगे। तो बेसिकली एक छोटे बच्चे को जिस जिस चीज की जरूरत होती है उस सारी चीजों की जरूरत यहां पर फुलफिल की जाएगी। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब इसके बाद से आगे देख रहे हैं तो ये बेसिकली रिपीटेशन है तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट करंट अफेयर्स, यहां पर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप बेसिकली बात कर रहे होंगे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगेन देखिए यहां पर ये कुछ मिस्टेक हो गई है। तो देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करते हैं तो देखिए पहली स्कीम है और ये है एक फेलोशिप स्कीम है जो कि यूएस गवर्नमेंट के साथ इंडियन गवर्नमेंट मिलकर के कर रही है। यहां पर वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। कैसे की जा रही है और किसमें की जा रही है, ये की जा रही है इंडिया और यूएस फेलोशिप, इंडिया और यूएस गवर्नमेंट मिलकर के आई है और यहां पर वुमेन की साइंस एंड टेक में, इंजीनियरिंग में, मैथ्स एंड मेडिसिन, इन सेक्टर्स में एम्पावरमेंट के लिए ये लोग अब वुमेन को प्रमोट करना शुरू कर दिए हैं। दे आर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर टू सेवरल वुमेन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से ये प्रमोशन कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट के साइड से अगर बात करते हैं तो कौन सी संस्था है जो इस चीज इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है, तो वो है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और वही अगर यूएस के बारे में बात करें तो वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम हो जाती है। तो इस तरीके से देख रहे हैं बेसिकली साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ऑफ बोथ द गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड टू एम्पावर द वुमेन एंड दे आर प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल एक्सपोजर। क्लियर हो गया क्या चीज है। It aims to provide opportunity to Indian women scientists, engineers and technologists to
undertake international collaborative research in premier institution in US to enhance their research capacity and capabilities. तो ये हम लोगों ने देखा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या स्कीम बनाई गई है, और ये अगर देखते हैं कि किस एज ब्रैकेट के लोग हैं तो एज ब्रैकेट यहां पर रखा गया है 21 टू 45 इयर्स के तक के लिए. क्लियर हो गया. अब इसके बाद से कुछ छोटी मोटी स्कीम्स वगैरह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. जैसे एक है हमारा ग्रेस सैटेलाइट. तो ग्रेस सैटेलाइट इज बेसिकली एक सैटेलाइट का ग्रुप है जो कि यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया था 2002 में. ये करता क्या है, दिस सैटेलाइट सिस्टम इज मॉनिटरिंग द चेंज इन वाटर एंड स्नो स्टोर्स ऑन द कॉन्टिनेंट. तो कॉन्टिनेंट पे जितने भी वाटर अवेलेबिलिटी है या स्नो की अवेलेबिलिटी है उसको ये लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं. एक तरीके से कह सकते हैं दिस इज बेसिकली मॉनिटरिंग द हाइड्रोलॉजिकल इकोसिस्टम दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिस्टम. क्लियर हो गया क्या चीज है ग्रेस का मतलब. तो एक तरीके से एनवायरमेंटल सैटेलाइट भी आप इसको बोल सकते हैं. मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये सैटेलाइट कैसा सैटेलाइट होगा. हम लोगों ने इसके बेसिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं. आपको बताना है कि ये क्या जियो सिंक्रोनस है या फिर ये सन सिंक्रोनस होगा. ये कैसा होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि ये किस तरीके का सैटेलाइट होगा. अगर आप बेसिक्स को अच्छे से समझे होंगे तो बहुत इजीली आप इस पूरे के पूरे मतलब सिस्टम को बता सकेंगे कि कैसा होगा. नेक्स्ट जो हमारी करंट अफेयर्स आती है वो है रोपेक्स सर्विस. रोपेक्स सर्विस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो कि रोल ऑन रोल ऑफ पे काम कर रही होती है. अब ये रोल ऑन रोल ऑफ है क्या, पहले इसके पूरे सिस्टम को पढ़ लेते हैं फिर मैं बताऊंगा क्या चीज है. तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज लॉन्च्ड अ रोल ऑन रोल ऑफ कम पैसेंजर फेरी सर्विस कॉल्ड रोपेक्स बिटवीन मुंबई एंड मांडवा. हुआ क्या है, मुंबई और मांडवा के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है. काफी ज्यादा मतलब नियर अबाउट 110 किलोमीटर के अराउंड में हो जाती है. तो काफी ज्यादा टाइम लगता है इफ यू आर गोइंग बाय रोड. अगर आप रोड से जा रहे हैं तो काफी टाइम लग जाता है पहली चीज. दूसरी चीज काफी ज्यादा फ्यूल लग जाएगा और हमें फ्यूल इफिशियंट बनना भी है. इस फ्यूल के कारण से इन्वायरमेंट भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है. तो हमने क्या किया है, इन सब की जगह पर एक अल्टरनेटिव स्टार्ट कर दिया है और वो है एक बड़ी सी शिप रहेगी. और यहां पर जितने भी गाड़ियां हैं फोर व्हीलर्स हो गए चाहे हमारे टू व्हीलर्स हो गए, ये लोग क्या करेंगी इस शिप में रोल ऑन करके मतलब कि यहां पर रोल करके चढ़ जाएंगी. और अल्टीमेटली यहां पर कुछ लोग भी चले जाएंगे क्योंकि यहां पर केवल और केवल कार्गो नहीं है बट यहां पर पैसेंजर्स भी है. अब ये शिप क्या करेगा, महाराष्ट्र से मुंबई से निकलेगा और मांडवा को चला जाएगा. और इन दोनों के बीच की दूरी अगर बाई मतलब इन द वाटर ट्रांसपोर्ट चेक करते हैं तो 18 किलोमीटर केवल और केवल रह जाती है. तो यहां पर आपका 3 घंटे का समय लग रहा था, वहां पर केवल और केवल आप विद इन एन आवर सारा का सारा काम कर लेंगे. जैसे ये मांडवा पहुंचेगी वैसे ही गाड़ियां वापस से रोल ऑफ हो जाएंगी मतलब अपने पहिए पे उतर जाएंगी. इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ. क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि रोपेक्स सर्विस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रोपेक्स सर्विस. तो आप बताएंगे दिस इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. क्लियर हो गया क्या चीज है. ओके, बाकी डिटेल वगैरह याद नहीं रखनी है कि मुंबई और मांडवा क्या चीज है, ये सबको कोई मतलब नहीं. अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है ये किसकी मदद से कर रही है. तो ये मदद से कर रही है अपने इस ईस्टर्न वाटर फ्रंट डेवलपमेंट की मदद से. अब ये डेवलपमेंट क्या चीज है, दिस डेवलपमेंट इज बेसिकली इज अ स्कीम या कह सकते हैं प्लान है जो कि मुंबई ट्रस्ट प्लान के द्वारा ये निकाला जाता है. क्वेश्चन ये उठता है कि मुंबई ट्रस्ट पोर्ट का मतलब क्या है. ट्रस्ट पोर्ट का मतलब ये होता है या फिर पोर्ट ट्रस्ट का मतलब क्या होता है. पोर्ट ट्रस्ट हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग बात करेंगे ये एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में. तो दिस इज बेसिकली अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोग बात करेंगे अपने शेड्यूल 12 में. क्लियर है. यहां पर होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी की मदद से, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से एक बॉडी बना दी जाती है जो कि पोर्ट का डेवलपमेंट कर रही होती है. तो ये एक तरीके का पोर्ट का डेवलपमेंट है और इसको डेवलपमेंट को बनाने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्लान बनाया गया है. क्लियर हो गया क्या चीज है. नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज आर देयर, जैसे म्यूनिसिपल हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गई,
टाउनशिप हो गई, पोर्ट ट्रस्ट हो गया, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, नोटिफाइड एरिया कमेटी हो गई, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग जब पॉलिटी देखेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे अपने इसी प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता चल गया कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में ही ये अर्बन लोकल बॉडी हो जा रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, इसके बाद हमारे कुछ और छोटे छोटे टिडबिट्स हैं। छोटे छोटे टिडबिट्स का मतलब एक है हमारा जो पाई डे से रिलेटेड है। जिस पाई डे का मतलब यह है कि देखिए मार्च 14 का मतलब क्या हो गया, 3/14 इस तरीके से आप लिखेंगे। 3/14 का मतलब देखिए 3.14 कहीं ना कहीं ये पाई की वैल्यू को डिनोट कर रहा होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो पाई से बहुत प्यार रखते हैं तो उनको ये 3/14 नहीं दिखती है, उनको ये 3.14 दिखती है, 3.14 दिखती है। और ये पहली बार दिखा गया था यूएस में, यूएस को पाई से बहुत प्यार है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा कि वेयर द कंटेशन इज टू राइट डेट इन द फॉर्मेट ऑफ मार्च 14 एज 3/14, दीस थ्री डिजिट मैट द वैल्यू ऑफ पाई। और इस तरीके से इसको पाई डे बोला जाने लगा। एक बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का हैप्पी बर्थडे भी इसी दिन पड़ता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 3/14 या 3.14 काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग डेट बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है, वो करंट अफेयर्स है कच्छा थीलू आइलैंड के बारे में। कच्छा थीलू आइलैंड, क्वेश्चन ये उठता है, ये है क्या क्वेश्चन? देखिए, ये श्रीलंका का एक आइलैंड है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम लोग जाने तो देखिए, ये हमारा इंडिया है, यहां से हमारा श्रीलंका स्टार्ट होता है, इन दोनों के बीच में ये हमारा एडम्स ब्रिज हो जाता है और यहीं पे हमारा पाक स्ट्रेट है। दिस इज आवर पाक स्ट्रेट। एटलस खोलिए, वहां पर चेक करिए। एटलस के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक सीरीज चला रखी है, मैप मेकिंग क्लासेस, तो मैप मेकिंग में हम लोग जा करके देख सकते हैं। सारा का सारा सिस्टम मैं वहां पर डिस्कस अगेन करूंगा, लेकिन वहां पे ज्योग्राफिकल फॉर्मेट में बात करूंगा, यहां पर हम लोग करंट अफेयर्स बात कर रहे हैं। चलिए, खैर, तो यहां पर क्या है, पाक स्टेट में एक छोटा सा आइलैंड यहां पर पड़ता है जो कच्छा थीरू आइलैंड कहलाता है। एक्चुअल में क्या था, जब हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में थे तो उस समय ये इसकी ओनरशिप होती थी इंडियन गवर्नमेंट के पास और ये हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में। लेकिन समय के साथ सीलोन गवर्नमेंट, मतलब कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, उनमें और इंडियन गवर्नमेंट में नेगोशिएशन होना शुरू हुआ एंड इन 1974 कच्छा थीलू वाज सीडेड टू श्रीलंका थ्रू इंडो श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट टू सेटल द मैरीटाइम बाउंड्री इन द पाक स्ट्रेट। हालांकि लेकिन यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि फिशिंग करने के दौरान में इंडियन और श्रीलंकन दोनों के दोनों चले जाते थे और इस तरीके से काफी ज्यादा एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन हमें देखने को मिल जाता था। तो इन दोनों गवर्नमेंट ने अगेन 1976 में सामने आते हैं और दोनों गवर्नमेंट कहते हैं कि देखो, हम लोग या तो इंडिया वाले चाहे श्रीलंका वाले, दोनों के दोनों अब यहां पर फिशिंग करने नहीं आएंगे, तो हम लोग फिशिंग जोन इसको नहीं बनाएंगे। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा न्यूज काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए भी रहा है क्योंकि कई लोग यहां से निकल के गए हैं पूजा उजा करने के लिए इस आइलैंड पे। नॉट इंपॉर्टेंट, कंटेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी लोकेशन। तो लोकेशन हम लोगों ने काफी डिटेल में देख ही लिया। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में देखिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो स्टेम सेल का कंसेप्ट होता है। ये स्टेम सेल मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो में डिस्कस करूंगा आपको, ताकि उसके बारे में काफी कुछ हमें डिटेल देखना है क्योंकि दिस हैज वेरी मच इंपॉर्टेंस इन आवर प्रिलिम्स लॉग प्रिलिम्स सीरीज एज वेल एज आवर मेंस एग्जामिनेशन। तो दोनों में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल जरा कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं इसमें। तो इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है, वो आई है नेशनल बायोफार्मा मिशन। एक्चुअल में हुआ क्या है कि हम लोग इस मिशन के जरिए वी आर लॉन्चिंग बेसिकली इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम। अब देखिए, बायोफार्मा के बारे में बात करते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं बायो प्लस फार्मेसी के बारे में, तो हम लोग काफी ज्यादा ये डेवलप्ड फॉर्मेट में हम लोग कर रहे होते हैं। हमारी जो फार्मेसी है काफी डेवलप्ड है, तो हम लोग इसमें रिसर्च करने की बात कर रहे होते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग बेटर पार्टनरशिप इन दिस रिसर्च। फॉर दैट व्हाट वी हैव लॉन्च्ड इज इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम। यहां पर एक
इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात कही गई है, टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट इकोसिस्टम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग इन द बायोफार्मा सेक्टर। तो बायोफार्मा सेक्टर को हम लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं, डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो यहां पर भी यही सब चीजें हो रही हैं, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेज टू हेल्प एनहांस इंडस्ट्री एकेडमिक इंटरलिंकेज। तो देखिए इतना कुछ खास नहीं है सारा का सारा, केवल आपको यह पता होना चाहिए इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में और नेशनल बायोफार्मा मिशन के बारे में। थोड़ी सी कुछ अगर डिटेल के बारे में और बात करते हैं, तो देखिए डिटेल का मतलब आ जाता है कि यहाँ पर जो नेशनल बायोफार्मा मिशन है इज एन इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेटिव मिशन फॉर एक्सेलरेटिंग बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री। अब यहाँ पर ये इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेटिव मिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि अगर बी फार्मा कोई कर रहा है या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा होता है, उसको अपने फाइनल ईयर में आने के बाद एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। चाहे आप कोई बीएसए कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो या बी फार्मा कर रहे हो, एक लाइव प्रोजेक्ट होती है। तो बी फार्मा वालों को बोला गया है कि जो भी कंपनी है उस कंपनी में आप एक इंटर्न के माध्यम से जाएंगे और वहां पर जो भी इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरीके से एक एकेडमिक को एक मार्केट ओरिएंटेड या फिर डिमांड ओरिएंटेड हमें बनाना पड़ेगा। हमें दिखाना है कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल ऑफ दैट थ्योरी जो कि बी फार्मा में लोग पढ़ रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये पूरा का पूरा हमारा एक मिशन के अंतर्गत आ जाता है, दैट इज नेशनल बायोफार्मा मिशन। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए इट वॉज लॉन्च इन 2017 विद अ कॉस्ट ऑफ दिस, ये आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है कि लॉन्च कब की गई है। तो लॉन्च की गई है 2017 में। देखिए इस तरीके के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो यूपीएससी के फेवरेट एरिया में आते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी रखता है और जनता जनरली इससे भाग रही होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपको इस तरीके के करंट अफेयर्स को फोकस करना। ओके, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द बायरैक। अब बायरैक क्या चीज है? बायरैक का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कंट्रोल। एक्चुअल में जिस तरीके से पीएसयूज होती है, सेम उसी तरीके से ये भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो काम कर रही होती है मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये काम कर रही होती है बायरैक। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, यहां पर देखिए बायरैक के बारे में बात कर, देखिए लिखा हुआ है कि इट इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सेटअप अंडर डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द ओवरसाइट टू द मिशन एक्टिविटीज इज प्रोवाइडेड बाय द इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमिटी चेयर्ड बाय, जो भी सेक्रेटरी होगा उसी से ये चेयर किया जा रहा होगा। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप चेयर्ड बाय द इमिनेंट साइंटिस्ट प्रोवाइड साइंटिफिक लीडरशिप। ये सब देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, द इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। तो ये थी हमारी फिलहाल की करंट अफेयर्स रिलेटेड विद दिस बायोटेक्नोलॉजी। आगे एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा नाम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। देखिए इस बार बैक्टीरिया और वायरस ये काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, तो इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि इन सब पे क्वेश्चन एक पूछा जाए। देखिए यहां पर ये इंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया का मतलब ये है कि जो हमारे कह लीजिए कि वेस्ट बंगाल या फिर असम के एरिया में टी कल्टीवेशन होती है, इस टी कल्टीवेशन में लगातार टर्माइट्स का या फिर कह लीजिए कि जो पेस्टिसाइड अटैक होता है, पेस्ट अटैक काफी ज्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स लगा रहे होते हैं, बट स्टिल ये हमें कुछ खास सॉल्व नहीं कर पाता है, इनफैक्ट ये एनवायरमेंट और सॉइल डैमेज कर देता है, तो उसके लिए एक बैक्टीरिया ये इंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया ये बनाई गई है, ये खोजी गई है, जिसके माध्यम से ऐसा देखा गया है कि अगर इस बैक्टीरिया को छिड़क देते हैं, इस बैक्टीरिया को अगर हम अप्लाई कर देते हैं प्लांट पे, तो फिर ये जो पेस्ट अटैक वगैरह हो रहे होते हैं ये होते नहीं है, और जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह हमें डालना होता है, फर्टिलाइजर वगैरह डालना होता है, वो हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। तो रिसर्चर्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक गुवाहाटी हैव फाउंड सिग्निफिकेंट प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एंड एंटी फंगल एक्टिविटीज ऑफ इंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड विद दिस टी प्लांटेशन। क्लियर हो गया क्या चीज है, इस बैक्टीरिया का काम क्या है? तो बैक्टीरिया इज गुड फॉर द टी प्लांटेशन। क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद देखिए कुछ छोटी मोटी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है। जैसे हमारा सबसे पहले टेक्नोलॉजी आती है
नैनो कंपोजिट कोस्टिंग के कोटिंग के बारे में। देखिए नैनो पार्टिकल के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो भी 10^-9 मिलीमीटर से नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक नैनो पार्टिकल है। क्लियर हो गया। तो नैनो टेक्नोलॉजी का ही आजकल यूज किया जा रहा है। दिस इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट मटेरियल जिसको कि हम लोग अलग अलग चीजों में यूज कर रहे होते हैं। काफी ज्यादा ये टर्निंग पॉइंट है हमारे इस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि नैनो पार्टिकल के जरिए हम लोगों ने काफी कुछ चेंजेस कर लिए हैं। इनफैक्ट ये नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है हमारे इस एआई सिस्टम में भी। कैसे यूज करता है अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर भी हो जाएगा। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर एट द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल हैव डेवलप्ड फ्रिक्शन रिड्यूसिंग नैनो कंपोजिट कोटिंग। अब ये क्या चीज है ध्यान से सुनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिस इज अ सरफेस, एक कोई सरफेस है और यहां पर हमारी मान लेते हैं कि कोई व्हीकल जा रही है हमारी, तो ये क्या होता है लगातार ये फ्रिक्शन फेस कर रही होती है। फ्रिक्शन के कारण से इफ यू आर नॉट एक्सेलरेटिंग देन इट विल स्टॉप आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के बाद ये जाकर के रुक जाएगी। लेकिन इससे क्या होता है कई सारी चीजें लॉस हो रही है। फर्स्ट थिंग क्या लॉस हो रहा है कि टायर का जो मटेरियल है वो टायर मटेरियल पहली बात लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो घिस रहा है। दूसरा जो लॉस हो रहा है वो फ्यूल लॉस हो रहा है। तीसरा जो लॉस हो रहा है वो एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि लगातार इस फ्रिक्शन के जरिए टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, एनर्जी आ रही होती है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी लॉस और इतने सारे मटेरियल का लॉस हो रहा है। अगर हम इस फ्रिक्शन सरफेस को अगर हम थोड़ा सा फ्रिक्शन इसकी कम कर देते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा ये लॉसेस है इन लॉसेस को हम लोग प्रिवेंट कर लेंगे। इस फ्रिक्शन से बचाने के लिए ही ये सारा का सारा नैनो कंपोजिट कोटिंग किया जा रहा है, जिसके जरिए फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ प्रोसेस ऑफ साइड सेलेक्टिंग डिटेक्शन ऑफ नैनो कंपोजिट कोटिंग विच कैन रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एरोस्पेस डिफेंस ऑटोमोबाइल एंड स्पेस टू इंक्रीज द डिवाइस लाइफ। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर मटेरियल को आप इंप्रूव कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका जो ये पूरा का पूरा डिवाइस है उसकी हमारी जो लाइफ है वो काफी बढ़ जाएगी। बात करें अगर कि मटेरियल कौन सा यूज किया जा रहा है, तो मटेरियल यूज किया जा रहा है निकिल टंगस्टन बेस्ड कोटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि निकिल और टंगस्टन की कोटिंग की जा रही है। इसके जरिए मतलब कि इन मटेरियल से नैनो पार्टिकल बनाए जाएंगे और उस नैनो पार्टिकल की कोटिंग की जा रही होगी। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड का भी यूज किया जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड देखिए हम लोग काफी पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज सेमीकंडक्टर मटेरियल है और इसमें हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन जब वापस से अपने कैटेगरी में आ जा रहा होता है उसके बारे में। आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट करिएगा, आप याद रखिएगा कि कहां हम लोग पढ़े थे, इसके बारे में डिटेलिंग आप लोग बताइएगा। मैं छोटा सा हिंट दे दे रहा हूं कि हम लोग मीटियोरॉयड का कुछ अटैक करवाए थे और उसमें SiC हमें प्राप्त हुआ था। चलिए खैर, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या चीज है। देखिए काफी ज्यादा इस समय टाइम गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ का मतलब सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं और आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप, सपने अगर बड़े देखे हैं तो देखिए मुश्किलें भी बड़ी ही आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से ही जो आगे बढ़ेगा वही आगे फिर सिकंदर कहलाएगा। चलिए खैर, द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वियर रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस्ड फ्रिक्शन इज अ रिजल्टेंट ऑफ नैनो कंपोजिट कोटिंग विद हार्ड पार्टिकल्स इनसाइड अ टफ मैट्रिक्स। द साइज ऑफ रिइंफोर्समेंट पार्टिकल इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन डिसाइडिंग द फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो खैर इसकी प्रॉपर्टीज और इसके डिटेल के बारे में हो गया, हमारे लिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। आगे कुछ छोटी मोटी टेक्नोलॉजी के बारे में और बात किया गया है। जैसे एक बात किया गया है वेरिली के बारे में। तो देखिए हमारा जैसे क्या होता है, गूगल यूट्यूब होती है, जीमेल होती है, इसके अलावा बहुत सारी और भी होती है, गूगल क्लासेस वगैरह भी होती है, डुओ होती है, तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। ये सारी की सारी गूगल की सब्सिडियरी कंपनी होती है, तो सब्सिडियरी के फॉर्मेट में लोग काम कर रहे होते हैं। और गूगल खुद किसका सब्सिडियरी है, गूगल खुद अल्फानेट का सब्सिडियरी है। क्लियर हो गया क्या चीज है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पास्ट ईयर्स में भी पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, तो आप भी इसको तैयार रखिएगा। पास्ट ईयर्स में पूछा गया है कि अल्फानेट क्या है, तो बताना था ऑप्शन कि ये एक सब मतलब पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल है। सिमिलरली वेरिली के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये करंट अफेयर्स में क्यों आया है, करंट अफेयर्स में इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली द गूगल सब्सिडियरी वेरिली हैज लॉन्च्ड द पायलट ऑफ COVID-19 स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग वेबसाइट एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट बेसलाइन।
इन्होंने एक प्रोजेक्ट बेसलाइन लॉन्च किया हुआ है जिसमें ये स्क्रीनिंग और टेस्टिंग प्रोवाइड कर रहे थे कोविड पेशेंट्स के लिए। अगर बात किया जाए प्रोजेक्ट बेसलाइन के बारे में है क्या, तो देखिए ये हो जाती है वेरिली की एक प्रोजेक्ट है जिसमें करते क्या है कि रिसर्च किया जाता है, लेकिन ये रिसर्च किया जाता है ह्यूमन केयर में, मतलब मानवता की रक्षा करने में, मानव की केयर करने में, ह्यूमन की हेल्थ की केयर करने में हम लोग ये रिसर्च कर रहे होते हैं अंडर प्रोजेक्ट बेसलाइन ऑफ वेरिली। क्लियर हो गया क्या चीज है? देखिए एक और एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, ये गूगल का था, प्रोजेक्ट लून। यहां पर क्या हुआ था, सबसे छोटा सैटेलाइट बनाना था और सबसे सस्ते में बनाना था, तो जो सबसे सस्ते में बनाएगा उसी को इस प्रोजेक्ट लून के जरिए पुरस्कार वगैरह प्राइजेस वगैरह दिए जाने थे। तो इसमें हमारी इंडस, टीम इंडस, ये हमारा एक स्टार्टअप है जो एस्ट्रोनॉमी में काम कर रहा होता है, इसको थर्ड प्राइज दिया गया था। काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने बड़े बड़े कंट्रीज के एंटरप्रेन्योर्स को हम लोगों ने हरा करके हम लोग थर्ड प्राइज जीते थे। ओके चलिए खैर, नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं जरा, दैट इज SIRT1। तो सर्ट वन है ये, SIRT1 इसको पढ़ा जाता है। ये क्या चीज है, देखिए ये बेसिकली एक एंजाइम है विच डी एसिटिलाइज, ये क्या होती है, एसिटिल ग्रुप को डी एसिटिलाइज करती है, मतलब एसिटिल ग्रुप को निकाल देती है फ्रॉम द प्रोटीन दैट कंट्रीब्यूट टू सेलुलर रेगुलेशन। अब ये क्या चीज है, जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में ग्लूकोज की एक नॉर्मल बैलेंस सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, ग्लूकोज जो होती है कुछ कंटेंट में पड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर वही अगर ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो क्या होती है, तो आप बोलते हैं कि शुगर इनका हाई हो गया है, शुगर इनका लो हो गया है, इनको डायबिटीज की प्रॉब्लम अब हो गई है। तो ये जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है बेसिकली इसको वॉच करने वाला, मतलब ग्लूकोज के लेवल को वॉच करने वाला जो एंजाइम है उसी को बोला जाता है सर्ट वन। क्लियर हो गया क्या चीज है सर्ट वन? तो देखिए आपसे सीधे यही क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी कि सर्ट वन वॉज रिसेंटली इन न्यूज, कि इससे क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। अब यहां पर आप बता देंगे इट इज एन एंजाइम विच मॉनिटर ओवर द कंटेंट ऑफ ग्लूकोज, तो ये पता चल जाएगा आपका सर्ट वन क्या चीज है। रिसेंटली क्या हुआ है करंट अफेयर्स में, द साइंटिस्ट एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च रिवील्ड दैट द ग्लूकोज कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ SIRT1 डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है ग्लूकोज में, तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज करंट अफेयर्स, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे टेलीग्राम बॉक्स की लिंक दे रखी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप उस पर पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और हम लोग कोशिश करेंगे इस वीक में हम लोग ये पूरे के पूरे मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर ले। वी आर कंप्लीटिंग मार्च करंट अफेयर्स एट प्रेजेंट, और हम लोग इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।